साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमाए उर्दू हिंदी में। आज हम करने जा रहे हैं NIOS क्लास 12th उर्दू 306 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट नंबर एक। दो पार्ट में मैं ये वीडियो कंप्लीट करूँगा। पहले पार्ट वन करेंगे आज हम, और फिर अगले दिन आपको पार्ट टू भी मिल जाएगा। तो दो पार्ट में इसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो नमूना पर्चा, किस तरह के क्वेश्चन आपके 12वीं में आ सकते हैं और इनमें से तकरीबन आते ही हैं, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे। पहला है, नोट सभी सवालात हल करने। उर्दू नस्ल की इब्तिदा किस तरह हुई, ठीक है। तो आपको इसका जवाब लिखना है कि उर्दू नस्र, नस्र और नज्म दो चीज़ होती है। नज्म होती है जो गा के पढ़ते हैं, नस्र होती है जो कहानी वगैरह होती है। तो उर्दू नस्र की इब्तिदा शायरी के बाद 8वीं सदी हिजरी में हुई। 8वीं सदी हिजरी में हुई, याद रखना 8 को, ठीक है। उर्दू नस्र की इब्तिदाई नमूने सूफिया इकराम के मलफूजात में नज़र आते हैं। जो सूफिया इकराम थे उनके जो मलफूजात हैं उसके अंदर देखने को मिलते हैं। 8 को याद रखना है आपको, ठीक है। 5 और 3 8। यह दूसरा सवाल है कि शिमाली हिंद में उर्दू नस्र की इब्तिदा किस तरह हुई। तो शिमाली हिंद में उर्दू नस्र की इब्तिदा मोहम्मद शाही अहद से होती है, ठीक है। दोनों में से कोई एक जवाब आप लिख देंगे। सवाल है, मतलब दो आएंगे, दो में से ये करो या ये करो, मैं यहाँ दोनों कर रहा हूँ। अफसाना पूस की रात में किस माशरे पर रोशनी डाली गई है। तो इसका जवाब आप लिखेंगे, अफसाना पूस की रात में गरीब माशरे पर रोशनी डाली गई। और मैंने ये डिटेल में भी पढ़ाए हैं, आप पढ़ सकते हैं। अगर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे उर्दू की, वहाँ मिल जाएंगे। इसमत चुगताई की ज़िंदगी के हालात लिखे हैं और उनके श्लोक पर रोशनी डाले, मतलब उनका अंदाज कैसा था। तो इसका जवाब बड़ा लंबा है थोड़ा सा, तो ध्यान से समझिएगा। इसमत चुगताई उर्दू की अफसानवी अदब की बेताज बादशाह है। उनकी शख्सियत किसी तारुफ का मोहताज नहीं। 1915 में आगरा में पैदा हुई, इब्तदाई तालीम वहीं पाई, मजीद तालीम के लिए अलीगढ़ आना पड़ा। अदबी ज़िंदगी का आगाज़ अलीगढ़ से शुरू हुआ। पहली मुसन्निफाएँ जिन्होंने अपने अफसानों में मुतवस्सित तबके के मुसलमान, मुतवस्सित मतलब मिडिल क्लास के घरानों के मसाइल को, खसूसन नौजवान लड़के लड़कियों के जिनसी मसाइल पर तभी आजमाई की। इस्मत वो पहली अदीबा हैं जिनके अफसाने अवाम के दरमियान मौजूए गुफ्तगू बने रहे और उन पर मुकदमा भी चलाया गया। उनकी तहरीर में एक खास तीखापन मिलता है और उनके बारे उनकी जबान इशारे और किनाए की जबान है। समाज और अफराद के रिश्तों पर वो इशारे और किनाए में तंज करती हैं, मतलब ये कि अपनी बात को जो है इशारे और किनाए में वो लोगों तक पहुंचाती हैं और लोगों तक पहुंचाने में मददगार होती हैं और इशारे और किनाए में ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। इसके बाद है कि इस्मत के तर्ज़ बयान दिलकश और अनोखा है। उनके मंझे हुए जुमले, रोज़मर्रा के चीखते हुए फकरे इंसानों में जान पैदा कर, उनका अंदाज़ निहायत तीखा और बर्जस्ता है। वह अपने अफसानों और मुकालमों के जरिए बड़े बड़े काम लेती, मतलब ये कि उनके जो मुकालमे हैं वो इस तरह से हैं कि सामने वाले को खुद ही, मतलब वो तैयार हो जाता है कि भाई ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। वे किरदार की जुबानी ऐसे तीखी बात कहलवाती हैं जिसका असर बराए रास्त जहन और दिल पर हो। उन्होंने अपनी तहरीरों में ऐसे नाजुक मामलात को कुरेदा है जिससे अदबी हलकों में हलचल मचे। उनकी आवाज़ नहीं है, अंदाज इतना दिलकश है कि उनके फ़न की कदर व कीमत से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो भाई ये बात आप इसके जवाब में जो है लिख देना। इसके बाद है, अफसाना चौथी का जोड़ा में किस माशर्ती मसले को मौजू बनाया गया है। इसमें चौथाई ने अफसाने में औरतों की किस नफ्सियाती पहलू को उजागर किया है। तो अफसाना चौथी का जोड़े में माशर्ती मसाइल, गरीब लड़कों की शादी के मौजू को बनाया गया है। इसमें चौथाई औरतों को नफसियाती बयान करने में माहिरीन
है अफसाने के तीसरे हिस्से में। उन्होंने सरवरी को उस वक्त की कैफियत को खूबसूरत अंदाज में पेश किया। जब सरवरी को पता चलता है उसका भांजा रात उसके यहाँ आ रहा है, सरवरी को ऐसा लगा मानो कुआं खुद प्यासे के पास चला गया। सरवरी ने कुबरा और राहत की शादी के मंसूबा बना लिया और शादी की तैयारी करने लग गई। अफसाना भोला में उसके अहम किरदार भोला की नफ्सियात को किस तरह पेश किया गया अपने अखबार में, ये भी अच्छा जो है सवाल है पेपर में आने के, इसके भी चांस है। तो आप लिखेंगे अफसाना भोला राजेंद्र सिंह बेदी का शाहकार है, मतलब मशहूर है राजेंद्र सिंह बेदी उर्दू अदब की सफ़े अव्वल के अफसाना निगार हैं। भोला अफसाने का मरकजी किरदार है, एक मासूम बच्चा जो अपने मामा और दादा से बेपना प्यार करता है। जब वह दादा उस दिन में कहानी सुनाते हैं, वो उसे दादा उसे दादा उसे उससे कहते हैं कि दिन में कहानी सुनने से मुसाफिर रास्ता भटक जाते हैं और इसके मासूम जहन पर ये बात नक्श कर जाती है। और जब उसके मामू को घर पहुंचने में लेट हो जाती है तो उससे लगता है कि दिन में कहानी सुनने से मामू रास्ता भूल गए होंगे, इसलिए अंधेरी रात में लालटेन लेकर मामू की तलाश में जाता है। राजेंद्र सिंह बेदी ने यहाँ बच्चों की नफ्सियात बड़ी खूबसूरती के साथ उभारा है, मतलब जैसा बच्चे के बचपन में डालेंगे बातें वही हमेशा तक रहेंगी। या ये कर लीजिएगा अफसाना भोले की रोशनी में तो हम प्रस्ती के नुकसान पर एक नोट लिखें। तो हम प्रस्ती जिसे हम सीधे सादी जबान में शक या बदगुमानी कहते हैं, तो हम प्रस्ती मतलब होता है किसी के दिल में किसी चीज़ के खिलाफ बदगुमानी डालना। शक ये एक छोटा सा लफ्ज़ है लेकिन अपने आप में ये बहुत वज़नदार है। अगर शक की बुनियाद पर इंसान के अंदर घर कर जाए तो वो बर्बाद हो सकता है, जैसा कि मौजूदा सबक में भोले के साथ हुआ। क्योंकि भोला एक मासूम बच्चा है और जब उसने दादा से सुना कि दिन में कहानी सुनने से मुसाफिर रास्ता, तो उसे शक हो गया कि उसके मामू आने वाले हैं और उन्हें घर पहुंचने में ताखिर हो रही, ज़रूर रास्ता भटक गया। यही शक की बिना पर रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए लालटेन निकल गया। हमें इस कहानी से सबक लेना चाहिए, शक और वहम बुरी चीज़ है और इस सबसे बचना चाहिए। इसके बाद है कि कृष्णचंद के ड्रामे दरवाजे खोल दो का मौजू क्या है। हिंदुस्तान में कौमी यकजहती की ज़रूरत पर तकरीबन 150 अल्फाज में अपना अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। तो याद रखिए कृष्णचंद के ड्रामे दरवाजे खोल दो का मौजू कौमी यकजहती है। हिंदुस्तान में कौमी यकजहती की ज़रूरत है। हिंदुस्तान दुनिया का एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिसे सेकुलर मुल्क के नाम से जाना जाता है। सेकुलर मुल्क उस मुल्क को कहते हैं जहाँ मुख्तलिफ किस्म के लोग मुख्तलिफ मज़हब के मानने वाले आपस में मिलजुल कर रहते हैं। और उनमें हुकूमत की जानिब से किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं, हर लोग अपने अपने मज़हब को मानने के लिए आज़ाद। हिंदुस्तान एक ऐसा ही मुल्क है यहाँ मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी अपने अपने मज़हब को मानते हैं। एक सवाल उठता है, क्या हिंदुस्तान में कौमी यकजहती की ज़रूरत? बेशक हिंदुस्तान एक इतिहाद पसंद वतन है, लेकिन थोड़ी और मुसीबत ले जाना बाकी है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम आपस में इत्तेहाद, मेल मिलाप, अख़ुव्वत, मोहब्बत और एक दूसरे से इशार और क़ुरबानी का जज्बा पैदा करें और ताहम हम तरक्की के रास्तों पर आगे बढ़ सकें। अगर हम में इत्तेहाद ना होगा तो मुल्क की तरक्की के लिए ख़तरा पैदा होगा। अगर हम आपस में एक दूसरे के मजहब की रवादारी और इज्जत का जज्बा दें तो मुल्क तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाएगा। इसीलिए हमको आपसी रंजिशों को भुलाकर एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। इसके बाद जो है भाई अगला क्वेश्चन है, तजसीम किसे तजसीम करना किसे कहते हैं। किशन चंद ने ड्रामा दरवाज़ा खोल दो में किस चीज़ की तजसीम की है और उनमें उससे क्या कहलवाया है। किसी मसनू चीज़ को ज़बान व जिस्म देने को तजसीम कहते हैं, जैसे पेन है, मैंने कहा पेन चला अपने आप, पेन ने कहा पे तस्वीर, डाक खाने ने कहा, इस तरह से। किशन चंद ड्रामा खोल दो में बिल्डिंग को तस्सीम किए और उससे पैगाम हिंदुस्तानियों को देना चाहते हैं।
जिस तरह हर इंसान, हर कौम, हर मुल्क एक आत्मा होती है, ठीक इसी तरह इस बिल्डिंग की भी आत्मा मुसन्निफ़ इस बिल्डिंग के ज़रिए कहलाया है कि जब तक हमारे मुल्क के लोगों में इत्तेहाद, मेल जोल, अख़ुव्वत और मोहब्बत एक दूसरे के लिए इशार और जज्बा नहीं होता, हम तरक्की की राह में हमेशा पीछे रहेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम आपस में मेल जोल और प्यार मोहब्बत के साथ मिलजुल कर रहें। इसके बाद भाई अगला सवाल है, ख्वाजा हसन निज़ामी के हालात लिखते हुए अपने इस्लोब बयान पर रोशनी डालें, उनके उनके हालात ज़िंदगी। ख्वाजा हसन निज़ामी उर्दू के मशहूर अनशाइया परदाज हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी का असल नाम अली हसन है। 1878 में दिल्ली में पैदा हुए। अभी खेलने कूदने की उम्र बाकी ही थी कि वालिद मोहतरम का साया सर छोड़ के इब्तदाई तालीम उर्दू फारसी में किसी तरह पूरी की और गुजरे वक्त के लिए दिल्ली की सड़कों पर किताबें बेचने लगे। इसीलिए तरक्की की राह ढूंढ निकाली। जब कभी फुर्सत मिली किताब बेचते बेचते इसी किताब का मुताला करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी तालीम की कमी को भी पूरा कर लिया और एक दिन उर्दू अदब के नामवर अदीब बन गए। यहाँ ख्वाजा हसन निज़ामी के स्लोप की बात है। उनका स्लोप अनोखा है, तहरीरों बेहद साख्तगी, बेतकल्लुफी, हर बात नहायत दिलचस्प अंदाज में कहते। इबारत इतनी आसान है कि मामूली से मामूली पढ़ा लिखा भी बआसानी समझ सके। यही वजह है कि उन्होंने मुसव्विर फितरत कहा जाता है। इसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, मिस चिड़िया की कहानी का खुलासा अपने अल्फाज में लिखें और बताएं कि इस कहानी के ज़रिए मुसन्निफ़ ने आपको क्या पैगाम दिया है। मिस चिड़िया की कहानी ख्वाजा हसन निज़ामी का एक अनशाई है। इस अनशाई में घरों में इंसानों के दरमियान होने वाली बातचीत को चिड़िया की ज़बान से अदा कराया है, जिसे हम तमसील करना कहते हैं। मुसन्निफ़ ने छोटी चिड़िया के मुंह से माँ चिड़िया को नसीहत करा के वालदेन को सबक दिया है कि बच्चे बड़े होकर कैसा इंसान बनना है। उसकी तमाम तर जिम्मेदारी वालदेन पर होती है। वालदेन को उससे बात से बखूबी वाकिफ़ होना चाहिए कि बच्चे की तरबियत में वालदेन और आसपास के माहौल की बड़ी अहमियत है। इसलिए वो बच्चों की जैसी तरबियत और परवरिश करना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें पहले खुद ब खुद नमूना बनकर दिखाना चाहिए। बच्चों का जहन तो एक सादा कागज़ के मानी है, इस पर हम जैसा नक्श डालेंगे वैसा ही छपेगा उस पर पड़े। इसीलिए बचपन में ऐसे जो कुछ सिखाया जाता है और जो कुछ वो खुद देखता है उसके जहन के सादे कागज़ पर नक्श होता चले। ये नक्श बड़े गहरे और देरपा होते हैं, इसलिए वालदेन के लिए ज़रूरी है अपने बच्चों की परवरिश बहुत ध्यान और ज़िम्मेदारी के साथ। अगला सवाल आ सकता है पेपर में कि सर सैयद के श्लोक पर रोशनी डालें और बताएं कि मुसन्निफ़ ने सबक उम्मीद की खुशी में किस चीज़ की अहमियत व अफादियत पर जोर दिया। तो इस सवाल का जवाब आप पॉइंट में लिखिए, सभी का जवाब पॉइंट में लिखना। सर सैयद बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक थे। वो एक बुलंद पाया मुसन्निफ़, मुमताज़ मुफक्किर, अजीमुल मुरत्तबात, मुसल्ला और मुदीर। उन्होंने अपने मशहूर रिसाले तहज़ीबुल अख़लाक में इल्मी और फ़लसफियाना मज़ामीन लिखे। उर्दू अदब को उनकी ज़ात से बड़ा फ़ायदा पहुँचा। उन्होंने उर्दू में इल्मी नसर को फ़रोग दिया, तसन्ना और मुश्किल पसंदी को तहरीर और तकरीर से दूर रखा। मतलब उनकी जो बनावट थी उस चीज़ से दूर रहे और मुश्किल हो और अपनी हर बात सादगी और सफाई के साथ कहते रहे। सर सैयद को जदीद उर्दू नसर का बानी समझा जाता है। उनका मकसद था कौम की भलाई के लिए जो पैगाम पहुँचाना है वह सादा और आसान जबान में बयान कर दिया जाए और लंबी लंबी तहरीरों के बजाय मुफीद सफहात में काम की बात कह दी जाए। उनका इस्लोब पढ़ते ही साइंसी मैदान और इल्मी रुझान से हमानगी हो गया और किसी ना किसी शक्ल में आज भी उर्दू नसर का इस्लोब। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सवाल और एक आ सकता है कि सबक उम्मीद की खुशी में बहुत सारी तलमीहात का इस्तेमाल हुआ है, आप इन्हीं तलाश करके अपनी उनकी वजाहत की। तो इसका जवाब है, सबक उम्मीद की खुशी में जो तलमीहात इस्तेमाल हुए उन दर्ज है। वो बुढ़ा आँखों का अंधा हज़रत याकूब, बेगुनाह कैदी हज़रत यूसुफ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सबक ब्रिज बानों की कहानी अपने लफ्ज़ों में लिखें। और एक सवाल आ सकता है और ये भी बताएं कि सबक किसका लिखा हुआ। तो यहाँ पर सबक ब्रिज बानों कन्हैया लाल कपूर की तहरीर करदा व खाका है, जिसमें उर्दू का एक तमसीली खाका भी खा जाए। बेजबानों वाक्य में उर्दू ज़बान है जिसे एक औरत के नाम से मंसूब किया गया।
मुसन्निफ़ ने तमसीली अंदाज में गुफ्तगू की। मुसन्निफ़ का कहना है कि उर्दू वाकई में हिंदुस्तानी ज़बान है, हिंदुस्तान में इसका वतन है, यही पली बड़ी और परवान चढ़ी, लेकिन फिर भी इसे जो मकाम मिलना चाहिए वो नहीं। आखिर जो इस खाके में मुसन्निफ़ ने उर्दू ज़बान की तमाम तर खसूसियात, उनकी असली तारीख और उसकी जड़ों को तमसीली अंदाज में बयान किया है। कन्हैया लाल कपूर की खाका निगारी में बहुत बड़ी महारत हासिल होती है। उन्हें खाके के मुख्तसर और दिलचस्प होते हैं। उनके खाकों को एक बड़ी खूबी है कि वह अपने खाका निगारी से गुफ्तगू करते हुए नजर आते हैं। वो इस बातचीत को दौरान वो बहुत आसान से आम फैन जबान इस्तेमाल करते हैं। मुख्तसर तौर पर हम कह सकते हैं कन्हैया लाल कपूर ने इस मुख्तसर खाके में बड़ी खूबसूरती के साथ उर्दू ज़बान की अहमियत और इसकी शोहरत की तरफ तवज्जो मबजूल कराई। नज़म खाके वतन का मफहूम अपने अल्फाज में लिखी। नज़म खाके वतन जानिसार अख्तर साहब की लिखी हुई नज़म और शायर की वतन से बेपनाह मोहब्बत का जितना जीता जागता सबूत है। यह नज़म वतन परस्ती के मौजू पर एक बेमिसाल नज़म कही जा सकती है। नज़म के पहले इस हिस्से में शायर हिंदुस्तान की बड़ी हर चीज़ से अपनी बेपनाह मोहब्बत का इजहार करता है। उसे यहाँ की हर चीज़ बेहद पुरकशिश मालूम होती है। यहाँ की सुबह शाम, शहर और शहरों के नाम, गांव, बस्ती सब कुछ अच्छी लगती है। तारीखी इमारतें और रिवायती और यहाँ के रस्म और रिवाज उसे अच्छे लगते हैं। वो इसलिए वो नज़म के अगले हिस्से में यहाँ के हर शेख की सलामती के लिए दुआ गोए। शायर कहता है कि उसे ए खुदा कहाँ कहीं के जंगल और बियाबान को सही सलामत रख, को हिमालय को चोटी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। शायरों को इस पर फ़ख्र है, वो कहता है खुदा इसे सदा बुलंद रख। शायर गंगोत्री से निकली नदी की शादियाबी व सैराबी के लिए दुआ गोए। शायर कुछ मशहूर मकामात, इमारतों और फन तामीर के शाहकारों का तस्करा करते हुए उनकी सलामती के लिए दुआ गोए। फिल्म के आखिरी हिस्से में हिंदुस्तान की देहाती ज़िंदगी की असकासी की गई। शायर ना सिर्फ सरसरी तौर पर देहात के मैदानों, सरसब्जों, खेतों और बाग़ों का जिक्र किया, बल्कि खेतों में गाती हुई दो शीशा और बाग़ों में झूला झूलती लड़कियों के तस्करे से मालूम होता है कि शायर ज़ाती तौर पर मनाजिरे से लुत्फानंदोज़ हो चुका है। उन्होंने अपने ज़ाती तजुर्बात को अशार में इस अंदाज से बयान किया गोया हम किसी देहात में पहुँच गए हैं। मुख्तसर हम कह सकते हैं नज़्म जज्बा हुब्बुल वतनी पर लिखा गया एक बेमिसाल नज़्म। ज़बान का इस्तेमाल भी सादा और सलीस है। अशार में रवानी के साथ अफाल की कसर है। बेशक ये एक मिसाली नज़म है जो वतन परस्ती के जज्बे से मामूर। दूसरा यह है कि नज़म नई तहजीब में शायर ने नई तहजीब की किन बातों पर तंज किया है, तो इसका जवाब जो है आप लिखेंगे कि नई तहजीब अकबर इलाहाबादी की शाहकार। अकबर दरअसल नई नस्ल की मजहबी तहजीबी रिवायत से बेगानगी, नौजवानों की बेरा रवि, औरतों के नाम निहाद आज़ादी से बेजार नज़र आते हैं। अंग्रेज़ी तालीम के मनफी असरात और अंग्रेज़ी तहजीब के अंधी तकलीफ से परेशान नज़र आते हैं और उन्हें सारी बातों को अपनी शायरी के ज़रिए नज़म नई तहजीब में पेश किया है। शायर कहता है जिस तरह मगरबी तहजीब का सैलाब हिंदुस्तानी को अपनी तरफ बहा कर ले जा रहा है, इससे साफ ज़ाहिर है वह जल्द हिंदुस्तानी तहजीब ख़त्म हो जाएगी और लोग मगरबी तहजीब रस्म और रिवाज के तौर तरीकों को अपना फ़ख्र समझने लगे। शायर मगरबी तहजीब की खूसियात पर नौशी डालते हुए कहता है मगरबी तहजीब के आने से हिंदुस्तान में औरतें बेपर्दा हो जाएंगी, वे घूंघट, बेनकाब या नकाब वगैरह की कैद से आज़ाद हो जाएंगे। जाहिर बात है आज ये सही साबित। शायर कहता आज की नौजवान नस्ल बेसोचे समझे मगरबी तहजीब की तकलीद कर रही, हिंदुस्तानी मौसीकी को बुलाकर बेसरदार ताल वाली मौसीकी के लुत्फानंदोज़ होने लगी और ये मगरबी अंदाज वाले गुलकारों को पसंद करने लगी। शायर आगे कहता है लोग अंग्रेज़ी ज़बान में बात करने से फ़ख्र महसूस करेंगे और मगर मुकम्मल तौर पर अंग्रेज़ी नहीं बोल पाए तो उर्दू के साथ मिलाकर एक खिचड़ी ज़बान बोलेंगे। कहने का मकसद ये है कि उससे ना तो अंग्रेज़ी ज़बान से पूरी तरह वाकिफ़ होंगे और ना उर्दू ज़बान, लेकिन वो इस बात उन्हें ज़रा भी गम ना होगा। शायर ये भी कहता है कि अंग्रेज़ी तहजीब हमारे समाज में और आम लोगों में इस तरह सलाहियत के जाएगी कि इस बात का एहसास तक ना हो कि हम बेशकीमत कदरों को भुला देते हैं, लेकिन शायर इस बात को भी बखूबी अंदाज़ा है कि एक ना एक दिन ऐसा बरखिलाफ़ इनकलाब रूनुमा होगा, समाज में तब्दीलियाँ होंगी, नेशनल सब तब्दीलियाँ देखना, उनके साथ जीना है। इसमें कोई शक नहीं कि तंज व मज़ाया शायरी में अकबर इलाहाबादी बहुत मरतबा बहुत बड़ा है, बुलंद है। अकबर की शायरी बड़ी दिलचस्प और समाज की खराबियों को
दिलचस्प अंदाज में उभारते हैं। वो मामूली और बज़ाहिर बद्दे अल्फाज को खूबसूरत और फनकाराना अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। अकबर अंग्रेज़ी अल्फाज से खातिर खां फ़ायदा उठाते हैं और उन्हें बामानी इस्तेमाल करते हैं। अंदाज़े बयां बहुत दिलकश और पढ़ने वाले को बराह रास्त मुतासर करते हैं। नज़म परछाई की दस जेल बंद की तशरी की जाए, तशरी भी लिखने को आएगी भाई। जैसे गुज़िश्ता जंग में घर ही जल गया, इस बार अजब नहीं है परछाइयाँ फिर जल जाएँ, अजब नहीं कि तन्हाइयाँ भी जल जाएँ। तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं, गुज़िश्ता जंग में पेघर जले मगर इस बार। मस्कुरा नज़म शायर लुधियानवी की नज़म है, ये नज़म का आखिरी बंद है। इस शायर कहता है कि पिछली मरतबा जब जंग हुई तो सिर्फ मादी नुकसान हुआ, यानी लोगों के घर बार इंसानी जानों और इंसानों इस्तेमाल करने वाली चीज़ों का नुकसान हुआ। इस बार फिर जंग हुई तो इससे ज़्यादा तबाही होगी, तसव्वुरात की परछाई यानी समझने की कुव्वत ख़त्म हो जाएगी, उम्मीद और हौसले ख़त्म हो जाएंगे और इंसानी ज़िंदगी मायूस हो जाएगी। इसीलिए हमेशा होशियार रहना चाहिए और सबको मिलकर जंग के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, क्योंकि सोचने समझने की कुव्वत और उम्मीदों और हौसलों को ख़त्म हो जाना इंसानी ज़िंदगी का बहुत बड़ा नुकसान। शायर सोचने इंसान सोचने समझने की कुव्वत और हौसलों की मादी चीज़ों से ज़्यादा अहमियत देता है, और ये समझना भी, क्योंकि उन्हीं चीज़ों से इंसान जीने की और मेहनत करने की चाह पैदा होती है, जिससे वो तमाम चीज़ें हासिल कर सकता है। तो भाई ये मैंने आपके सामने और चाय नमूना पूरा करके दिखाया, तो ये नमूना पर्चा था। इस तरह ये क्वेश्चन आएंगे बारहवीं में, तो आप तैयार रहें। एक नमूना पर्चा और आएगा पार्ट टू, उसमें आपको दूसरा नमूना पर्चा बताऊँगा कि किस तरह आपको करना है, जवाब भी होंगे ठीक है, और आप उसमें से भी देखेंगे। पार्ट वन और पार्ट टू दोनों जो है धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश करें। शुक्रिया।